प्रीवियस वीडियो में हमने देखा विजेट इन वर्डप्रेस, आज का हमारा टॉपिक है मेनू एड इन विजेट। तो हमें साइड बार में लाना है तो विजेट का यूज करना पड़ेगा, तो हम विजेट में चले जाते हैं। विजेट में जाने के बाद यहाँ पर साइड बार है, साइड बार में हमें कस्टम मेनू ऐड करवाना पड़ता है। यहाँ पे हमने कस्टम मेनू ऐड करवा दिया। अब उस मेनू का हमें टाइटल रखना है, जो भी आपको मेनू रखना हो वो। टाइटल हमें नहीं रखना है तो हम नहीं रखते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट मेनू, हमें कौन सा मेनू वहाँ पर रखना है, मेनू वन, मेनू टू या CMS। हमारे पास अभी तीन मेनू है, हम देख सकते हैं यहाँ पर मेनूज में जाके। यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीन मेनू है यहाँ पर। अभी जो प्राइमरी मेनू एक्टिवेट है वो CMS है, जो यहाँ पर हमें दिख रहा है वो CMS मेनू है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विजेट में मेनू ऐड करवाएंगे। हम ऐड करवाएंगे मेनू वन, उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा जो मेनू है वो मेनू यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि हमने विजेट में मेनू ऐड करवा दिया। अगर आपको ऐसा करना है कि तीन मेनू मैनेज करने हैं तो आप यहाँ पर मेनू मैनेज करवा सकते हो। कैसे, तो विजेट से। हम यहाँ पर कस्टम मेनू ऐड करवा सकते हैं, अगर आपको दूसरा मेनू भी ऐड करवाना हो तो आप मेनू ऐड करवा सकते हो। यहाँ पर CMS सेव, तो वो कस्टम मेनू यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि दो मेनू यहाँ पर हमें दिख रहा है। यहाँ से भी हम वेबसाइट को मैनेज करवा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर दूसरे पेजेस रखना है तो भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से हम तीन या चार मेनू हमें मैनेज करना हो तो कस्टम मेनू में जाके हम मैनेज इजीली करवा सकते हैं। यहाँ पर हम तीनों मेनू भी मैनेज करवा सकते हैं। जो हमारा मेन मेनू है वहाँ पर हम एक ही मेनू मैनेज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों मेनू हम नहीं रख सकते। तो अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत है तो आप इस तरह से मेनू विजेट में मैनेज करवा सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विजेट में मेनू कैसे ऐड करते हैं। आज हमने देखा मेनू एड इन विजेट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लगइन्स इंट्रोडक्शन।